तो एवरीवन वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग आप सभी को, शुभ संध्या आप सभी को, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास में आते रहिए, ठीक है। तो दीपक जी गुड इवनिंग डियर, वेलकम टू द सेशन। चलिए तो सभी लोग क्लास में जुड़ते हैं डियर और करते हैं यहाँ पे बार के क्वेश्चन की शुरुआत और अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल थोड़े से होंगे, मतलब न्यूमेरिकल भी होंगे काफी पोर्शन में और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़े ताकि हम सेशन की शुरुआत कर पाए टाइम पर, ठीक है। तो गाइज बार स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना सिर्फ बार के लिए है बल्कि ये क्वेश्चन आपके किसी भी जेई या एई के एग्जाम के लिए बेसिकली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का चैनल आप फॉलो करिएगा, राहुल मिश्रा सर टेस्ट बुक और टेस्ट बुक इंजीनियरिंग को, यहाँ पे आपको मिलेंगी क्लास की पीडीएफ, नोट्स और बहुत कुछ। तो सोहित गुड इवनिंग आपको भी, वेलकम टू द सेशन, आप सभी का स्वागत है सेशन में। तो गाइज अगर आपको बार की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, एसएससी जेई, एई जेई या फिर किसी का भी आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, सुपर कोचिंग का मटेरियल लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं डिटेल में, तो आप यहां पर कोई भी कोर्स ले सकते हैं। आपको बस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कोड लगाना है और अपना कोर्स पाना है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मार्जिनल जो आपको डिस्काउंट मिलेगा यूज मिलेगा और आपको मार्जिनल पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन ऊपर मैं ला रहा हूं। पहला ही प्रश्न ये रहा, वेलकम टू द सेशन एवरीवन, प्राची गुड इवनिंग, दर्शन शुभम सभी को गुड इवनिंग डियर। अच्छा तुम फर्स्ट आ गए आज, चलो बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करते हैं बच्चे इसका। स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 6685 न्यूटन मीटर टॉर्क, क्या ट्रांसमिट कर रही है 6685 न्यूटन मीटर टॉर्क, ओके। द शाफ्ट जो है वो इफ द शाफ्ट इज 100 mm इन डायमीटर, फाइंड द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट इन अ लेंथ ऑफ 6 मीटर, टेक C, मतलब ये क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, टेक C और G, यू कैन राइट हियर, इट इज 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर पर एम एम स्क्वायर, 8 × 10⁴ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन, फोर ही था ना भाई, कितना था फोर ही था, हाँ फोर था, 10⁴ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। चलिए तो दो चीजें निकालनी है इसमें, एक तो मुझे निकालना है क्या मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना, दो चीजें निकालनी है, एक तो टाउ निकालना है, थीटा निकालना है। तो टाउ निकालना बहुत आसान है, देखिए टाउ बच्चे क्या हो जाएगा, टाउ कैसे निकालेंगे 16t/πd³ निकाल लेंगे, 16t/πd³, तो 16 × t, टी कितना है 6685, 6685 ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, डी बच्चे क्या दिया है देखिए डायमीटर कितना दिया है 100 mm, क्या दिया है 100 mm, आंसर किसमें पूछा है mm स्क्वायर में, आंसर है mm स्क्वायर में, तो आप डाया को mm में ही रखिए, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा पाई डी क्यूब यानी कि 100 का क्यूब आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना आ जाएगा 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पाई 16t/πd 60 कैसे निकालते हैं बच्चे आप सभी को पता है, थीटा निकालने का एक ही तरीका है, कैसे निकालते हैं टाऊ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, लिखते हैं टाऊ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो टाउ आपको यहां पे मिल गया कितना 34, टाउ कितना मिल गया 34, सो टाउ आपका हो गया 34 अपॉन रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कितना है देखिए ये 100 mm डाया है तो रेडियस कितना आ जाएगा 50 mm, तो 50 mm में ही रखेंगे क्योंकि बाकी सब वैल्यू में mm में रख रहे हैं तो इसको भी mm में रखेंगे ठीक है, इनटू अब टाउ बाय आर इनटू एल, एल कितना है 6000 mm इनटू एल अपॉन जी, जी कितना है बच्चे 4 × 8 × 10⁴, अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ये वाला
आंसर आ जाएगा ये वाला। एक बात बताइए डियर, अ स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट, शाफ्ट क्या डिलीवर करेगी, शाफ्ट क्या डिलीवर करेगी? क्योंकि आप यहां पे पावर नहीं ले सकते, क्योंकि पावर अगर आप लेंगे फिर आप टॉर्क निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ओमेगा नहीं दिया है, ओमेगा नहीं दिया ना, तो शाफ्ट क्या डिलीवर करी, टॉर्क डिलीवर कर रही है। शाफ्ट से आपको टॉर्क मिल रहा है, उस टॉर्क से आपको शियर स्ट्रेस पूछा है, तो आपको दिमाग में इतना खुद ही आना चाहिए कि टॉर्क है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, डाया को एमएम में क्यों लिया भैरव मंडल जी? डाया को बच्चे मैंने एमएम में इसलिए लिया क्योंकि सारे आंसर एमएम में पूछे हैं। देखिए आपसे ये पूछ किसमें पूछा, एमएम में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपसे पूछा है, इस वजह से मैंने सब एमएम में ले लिया। एवरी डायमेंशन आई हैव टेकन इन एमएम बिकॉज द आंसर इज आस्किंग इन एमएम। बस नेक्स्ट, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करिए और जल्दी बताइए क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रविंद्र निराला जी बच्चे जीरो 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 वॉल्व, टू स्ट्रोक इंजन में जीरो वॉल्व होते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं वो वॉल्व नहीं है, वो पोर्ट है। टू स्ट्रोक इंजन में कोई वॉल्व नहीं होता, पोर्ट होता है, और होते तीन पोर्ट हैं, मतलब एग्जिट और एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। बट ट्रांसफर पोर्ट को हम बेसिकली कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो ट्रांसफर पोर्ट है वो इंजन के अंदर होता है, वो सिर्फ अंदर की चीजों कंट्रोल करता है। जो पोर्ट है यानी कि जो अब जो वॉल्व होता है इंजन में, वो क्या करता है, इनलेट आउटलेट दोनों कंट्रोल करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर और इंजन के अंदर दोनों का इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो ट्रांसफर पोर्ट है उसमें सिर्फ इंटरनल इंटरेक्शन है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होता। तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और इनलेट पोर्ट है, उसमें बाहर से अंदर एयर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, सराउंडिंग का सिस्टम का इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम इस वजह से हम दो ही पोर्ट कंसिडर करते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बच्चे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ नेट हीट इंटरेक्शन एंड द नेट वर्क। द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इट इज डी यू, डी यू इज इक्वल टू वॉट, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये बिल्कुल सही बात है। इंटरनल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बहुत सही बात है, वो भी कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट एडिशन इज एन इंडिकेशन ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, रॉन्ग। राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट एडिशन इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज, दिस इंक्रीज, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं डियर रोज होती है ये क्लास, रोज होती है, आप कहां रहते हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, किसने बोला ये, भैरव मंडल, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। टॉर्क मैंने बच्चे किस में लिया, 6685, थैंक यू सो मच। न्यूटन मीटर है ना, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एमएम में, क्या लिखेंगे, 10^3, बिकॉज इट इज न्यूटन मीटर, सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन एमएम, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, ये भूल गया था मैं, सो दिस शुड बी इन न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम, ठीक है, नाउ इट इज ओके। जयंत जी गुड इवनिंग डियर, वेलकम टू द सेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, कोई बात नहीं यूनाइटेड जी, सब बढ़िया हो जाएगा यार, टेंशन ना लें।
द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर, रेशियो तो है नहीं, सम भी नहीं है, डिफरेंस ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सुपरहीट, नो दिस इज नॉट. द डिग्री ऑफ सुपरहीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटिंग, दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर. सो नाउ दिस टी सुपर हीटिंग माइनस टी सैचुरेशन, दिस विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, बताइए Which of the following is not true for couples? कपल के लिए कौन सा सत्य नहीं है? Yes, the couple cannot be balanced by a single force. They need at least two force. The chappal of mummy and chappal of papa. मम्मी का चप्पल, पापा का चप्पल, दोनों चाहिए. एक फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाएंगे वो. मम्मी का भी चप्पल चाहिए, पापा का भी चाहिए, दोनों से, दो ही से, एक से बैलेंस नहीं हो पाएंगे. दे कैन नॉट बी बैलेंस बाय ए सिंगल फोर्स. टू बैलेंस देम यू नीड एट लीस्ट टू फोर्स. कपल है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम कपल, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम कपल विल बैलेंस द इक्वेशन. हाँ तो बेलन ले लो यार, बेलन ले लो, झाड़ू ले लो, कुछ भी ले लो भाई साहब, कुछ भी ले लो. द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टर्बाइन नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, नो, नंबर ऑफ ब्लीडिंग्स, ब्लीडिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन. इफ यू आर गोइंग फॉर सेवरल नंबर ऑफ ब्लीडिंग्स, means if you are going to extract the steam from multiple phases of the turbine, multiple place of the turbine work output will be affected. अगर भैया turbine के हर जगह से खून चूस रहे हो, एक जगह से खून चूसा, blood suck किया, कोई tension नहीं आया, power ठीक है, सह लेंगे भाई, अपन strong है. दूसरी जगह से खून suck किया, फिर भी सह लेंगे, अपन strong है. लेकिन जब बार बार खून suck करेंगे हर जगह से, तो लगेगा ना आप इतना भी strong नहीं है, अपन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, टर्बाइन मर जाएगा भाई साहब. इस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, स्टीम प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटी ऑफ प्लांट पर डिपेंड नहीं करेगा. व्हाई इफ देयर आर टू डिफरेंट प्लांट, वन इज बिगर, वन इज स्मॉलर, एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग सेम वर्क. प्लांट की साइज बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों सेम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, एफिशिएंसी विल बी सेम. Different capacity size, different size plant, both are producing same work, means efficiency same. ठीक है, option D. Next. No, Shubham, this question is not awkward actually. If I am going to show you this question, you will be telling me. Just one second. Just give me one second. I am going to show you this question. This question is basically from. मेरे पास अभी मैं आपको भेज रहा हूँ. This question is basically from JSSC. JSSC के questions हैं ये. Very important. तो हर paper solve करो. तुम लोगों के सामने यार WhatsApp खोलने में डर लगता है. ठीक है. Dash is a closed vessel in which water is converted into steam. Dash is the closed vessel in which the water is converted to steam by the application of heat. क्या बोलते हैं भैया? बॉयलर या फिर स्टीम का जनरेटर. ठीक है, नेक्स्ट.
The kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to density. कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी. कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी. इट इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. इज म्यू बाय रो. म्यू बाय रो. ओके, सो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर ऑटो एंड डीजल साइकिल. Identify incorrect statement for auto and diesel cycle. Identify the incorrect statement for auto and diesel cycle. I am going to show you one thing, guys. Just wait. I am going to show you one thing. Just wait for a minute. Hey, aja bhai, kahan chala gaya? Okay, look at this. I'm going to show you something here. Okay, look at here. For this question, they have given the answer D. For the student was giving the answer B, but the board has given the answer D. For the same maximum pressure and temperature, the cycle efficiency of diesel cycle is more than auto cycle. This is incorrect. Identify incorrect. According to him, board ke according, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पे जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो डीजल से ऑटो से ज्यादा होती है. दिस इज रॉन्ग. बट द ऑप्शन हियर इज नॉट डी, इट इज बी. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा. लिसन, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर द हीट सप्लाइड इन ऑटो साइकिल इज मोर देन डीजल साइकिल. दिस इज रॉन्ग. द हीट फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर the heat supply heat supplied in auto cycle is more than diesel cycle. Now kaise, how? Listen, I am going to draw the TS diagram. Main TS diagram dikha raha hu aapko, 2 minute mein aap clear ho jayega. Dekhiye yahan pe TS diagram hai auto cycle ka. So this is black one is auto cycle, this black one is auto cycle. 1-2 compression, 2-3 heat addition, 3-4 expansion and 4-1 heat rejection. Black one is auto cycle. Now for the maximum temperature is here, it is T max. T3 क्या है? T max. ठीक है? Now, so this is the heat addition. This is the 2-3 is the heat addition for petrol engine. Now from for same maximum temperature, temperature maximum same है, यानी कि I should start from here. Temperature maximum same है, यानी कि I am going to start from here. And you know the slope of constant pressure is less than slope of constant volume. Slope of constant pressure is less than slope of constant volume. ठीक है? तो जो slope of constant volume आ जाएगा, slope of constant pressure क्या होता है? Constant volume से constant pressure का slope क्या होता है? T by Cp. और constant volume का slope क्या होता है? T by Cv. ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये है constant volume का slope. और constant pressure बच्चे कैसे draw करेंगे? Constant pressure I am going to draw like this. Listen, constant pressure मैं कैसे draw करूँगा? ये 3 है और ये 2 है ना, ये ऑटो साइकिल है. अब मैं डीजल का कैसे ड्रॉ करूंगा? डीजल का मैं कैसे ड्रॉ करूंगा. टेम्परेचर मैक्सिमम शुड बी सेम, डीजल मस्ट बी लाइक दिस. क्यों? बिकॉज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज लेसर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज मोर. तो एरिया अंडर द रेड कर्व इज मोर, मीन्स हीट एडिशन डीजल साइकिल में ज्यादा होगा व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर इज सेम. ठीक है? And this is the reason that efficiency of diesel cycle is more. कैसे? Efficiency क्या होती है? 1 minus T lower upon U या 1 minus QR upon QS. Here QS is more. For diesel cycle, heat supply more. More. 1 minus less means efficiency more. ठीक है? तो option B हो जाएगा.
गलत जवाब है, यानी कि ऑटो का ज्यादा नहीं होगा, डीजल का ज्यादा होगा। करेक्ट। सरफेस ग्राइंडर नहीं है, देख के लग रहा होगा आपको, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल, वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल, दिस इज वर्टिकल स्पिंडल एंड हियर इट इज रोटरी टेबल, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल, अच्छा हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल लाइक दिस एंड रोटरी टेबल हियर लाइक समथिंग, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल, हियर टेबल इज रोटेटिंग, हियर ऑल्सो टेबल इज रोटेटिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, द स्पिंडल इज लाइक दिस एंड द टेबल इज रेसिप्रोकेटिंग, द स्पिंडल इज लाइक दिस एंड टेबल इज रेसिप्रोकेटिंग, दीज आर द सर्फेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इंटरनल सिलेंड्रिकल टेबल ये सर्फेस की ग्राइंडिंग नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाम से क्लियर है यार। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस, इनमें से आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा नहीं है, ध्यान से बताइएगा कौन सा आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। यस यस, कंबशन प्रोसेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हीट लॉस, सम हीट विल बी डेसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड आई हैव टोल्ड यू इन द वेट रीजन कंडेंसेशन और बॉइलिंग ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि इन वेट रीजन कंडेंसेशन और बॉइलिंग को हम क्या मान सकते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन को हम मान सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस रिवर्सिबल, फ्रिक्शनलेस रिवर्सिबल, कंडेंसेशन बॉइलिंग वाटर रिवर्सिबल, इसीलिए दिस इज द रीजन दैट इन दिस वेट रीजन यू आर अप्लाइंग द एंट्रोपी चेंज इक्वेशन डी क्यू बाई टी, यही तो कारण है कि वेट रीजन में आप डी क्यू बाई टी लगा रहे हैं, एंट्रोपी चेंज इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो कंबशन इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो हियर द ऑप्शन विल बी कंबशन प्रोसेस। द पाथ फॉलोड बाय इंडिविजुअल फ्लूड पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड, बताइए, पाथ फॉलोड बाय इंडिविजुअल फ्लूड पार्टिकल इज कॉल्ड, बेटा इट इज पाथ लाइन, इट इज पाथ लाइन, इट इज नॉट स्ट्रीक लाइन, इट इज पाथ लाइन, इट इज पाथ लाइन। यस, एक इंडिविजुअल फ्लूड हियर, इट इज नोजल हियर, सपोज दैट एक इंडिविजुअल फ्लूड पार्टिकल निकला एट टाइम टी वन यहां पे, टाइम टी टू बसंती के घर पे, टाइम टी थ्री और किसी घर पे, टाइम टी फोर यहां पहुंच गया और टाइम टी फाइव पे यहां पहुंच गया, टाइम टी सिक्स पे यहां पहुंच गया। So, इसका पाथ ट्रेस कर लो, T1 यहां, T2 यहां, T3 यहां, T4 यहां, T5 यहां और T6 यहां, तो दिस इज गोना बी द पाथ लाइन, क्या बोलते हैं, पाथ लाइन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, the friction of dash is to prevent the increase of steam pressure in the hauler, नहीं boiler, in the boiler, in the boiler, the friction नहीं the function, the function को उड़ा दिया जाएगा एक दिन, एक दिन इसको उड़ा ही देंगे। the function of dash is to prevent the increase of steam pressure in the boiler above its design pressure, safety valve, सेफ्टी वॉल्व, दिस इज ऑल्सो सम लाइक मिसटाइप्ड, ये भी कुछ मिसटाइप्ड ही है, सेफ्टी वॉल्व। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फॉर बैटर सरफेस फिनिश, फॉर बैटर, बैटर इज यूज टू, बैटर इज यूज टू मेक द इडलीज, बैटर्स आर यूज टू मेक द सॉफ्ट इडलीज। ओके, सो फॉर बैटर, फॉर better surface finish in grinding, the type of grain of grinding wheel should be, yes very fine, if the grains are, agar grain bade honge, coarse grain hai, agar coarse grain hai, depth of cut zyada hogi, mrr zyada hoga, material ko ukhad ke le jayenge, agar grain coarse hai
तो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगी, एमआरआर ज्यादा होगा, मटेरियल को उखाड़ कर जाएंगे, वेरी फाइन ग्रेन यूनिट और वेरी फाइन सरफेस फिनिश यूनिट, वेरी फाइन ग्रेन्स, वेरी फाइन ग्रेन्स, बहुत बढ़िया। मतलब मतलब यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, आपको यू हैव टू क्लीन योर फेस, सो यू आर हैविंग टू ऑप्शन, इधर यूज वाइप, जो वाइप आता ना भीगा भीगा सा होता है, भीगा भीगा है जहां, तो आप उससे अपने चेहरे को वाइप करते हैं, इधर यूज वाइप, वाइप पेपर, और यूज डोरमैट, डोरमैट, डोरमैट को यूज कर लो, और यूज स्टोन, पत्थर ले लो, बहुत सारा गिट्टी विट्टी ले लो, रगड़ लो चेहरे पे, कोर्स ग्रेन। अब जिनको लग रहा है कोर्स ग्रेन से ज्यादा फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, वो ये ट्राई कर सकते हैं, आप चीनी का बोरा ले सकते हैं, आप रजाई कंबल ले सकते हैं, आप डोरमैट ले सकते हैं, चेहरे को रगड़ सकते हैं और देखें कितनी अच्छी सरफेस फिनिश आपको मिलने वाली है। तो वेरी फाइन ग्रेन साइज यहां पर यूज होगी। नाउ रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज, ऊष्मा चालन की दर, ओके, डायरेक्टली रेट ऑफ हीट कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया, एंड वो एरिया जो होगा वो कहां होगा, इट इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। रिमेंबर जब भी हम फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन पढ़ते हैं, हम उसमें जब हीट फ्लो लेते हैं तो हीट फ्लो किसके प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो थर्मल कंडक्टिविटी के है, टेम्परेचर डिफरेंस के है, एरिया के है, कौन सा एरिया, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया लाई कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया ऑफ हीट फ्लो लाई कर रहा है उस एरिया के प्रोपोर्शनल, ठीक है, और थिकनेस, स्लैब की थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थिकनेस जितनी ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, बी थर्मल रेजिस्टेंस बी बाई के ए, थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर थिकनेस ज्यादा होगी, अगर थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट का ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो हियर थर्मल रेजिस्टेंस होता है बी बाई के ए, तो अगर बी ज्यादा तो थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ट्रांसफर कम। सो रेट ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर कहेंगे, बताएंगे सभी लोग। ऑन द लेथ मशीन हाफ नट और स्प्लिट नट इज यूज्ड, यस, ऑप्शन ए हाफ नट ऑटोमेटिक थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में भी, डीडीए जे में भी क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन वॉज प्रेजेंट इन डीडीए जे आई थिंक ना, डीडीए जे में आया था ना क्वेश्चन, DDJ, ओके, नेक्स्ट, डैश मींस डायरेक्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी का दूसरी बॉडी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है तो जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर का मोड क्या हो जाएगा, यस कॉन्डक्शन, क्या हो जाएगा, कॉन्डक्शन, कॉन्डक्शन होबे, क्या होबे, कॉन्डक्शन होबे, इट इज कॉल्ड कॉन्डक्शन, ठीक है, यानी कि चालन, क्या बोलते हैं, चालन, इट इज कॉल्ड चालन, कंडक्शन, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कंडक्शन। आप ही लोगों से सीख गया यार, संगत की रंगत है, सब संगत की रंगत है भाई साहब, सब सीख गया। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन ऑटो साइकिल इज 8 एंड द हीट सप्लाइड इज, एंड द हीट सप्लाइड इज 2100 किलो जूल पर केजी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, बताइए
कैसे निकालेंगे? कंप्रेशन रेशियो कितना है? 8 है एंड द हीट सप्लाइड कितना है? 2100 किलो जूल पर केजी। कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट, कैसे निकालेंगे बताइए बच्चे। आ, 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 ओ कुछ यहां पर गलत है क्या? नहीं, ठीक है। रिमेंबर, अब अगर आपको AK-47 वाली ट्रिक याद होगी तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। लिसन, दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन जस्ट 30 सेकंड। You don't have to calculate the question. आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट भी नहीं करना। AK-47 वाली ट्रिक अगर याद होगी, क्या बताया था मैंने, 5 पे कितना होता है 47, फिर कैसे निकलते हैं 4-3-2, है ना, 4 यानी कि 47, 4 51 और 3 54, ये 6 पे हो गया, ये 7 पे हो गया, और 2 यानी कि 56, ये किस पे हो गया, 8 पे, 8 पे क्या आ गया 56। लुक, ओनली वन आंसर इज 56। अगेन दिस यू कैन डायरेक्टली टिक, only one answer is 56, this you can directly take, only one option is 56, only one option 56, this you can directly take, if you want to calculate you can calculate, agar aap calculate karna chahte hain to calculate kar lijiye। compression ratio kitna hai auto cycle ka? 1/8 hai, itna nikalenge yaar, kaise nikalenge isko bina calculator ke, bhai sahab inko kya ho gaya, ye bhi ruk gaye 47 ka naam sunke। चलिए, तो एफिशिएंसी बच्चे कैसे निकालेंगे ऑटो साइकिल की, कैसे निकालेंगे, 1-1/8 टू द पावर गामा माइनस 1 यानी कि 1.4-1, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा 56.5%, कितना आ जाएगा 56.5%। नाउ एफिशिएंसी आपको पता है, वर्क आउटपुट आपको निकालना है, सो व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई, एफिशिएंसी कितना है 0.5, 56%, सो 56 इंटू 2100, ऑब्वियसली 56 इंटू 2100 कितना आ जाएगा 1186 समथिंग। यस, अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन देखिए कितना फायदा हुआ, डायरेक्टली यू कैन टेक द क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग। गाइस, इन एग्जाम बीइंग बर्नौली और बीइंग पाइथागोरस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन एग्जाम द इंपॉर्टेंस इज टू टेक द क्वेश्चन एनी हाउ। एग्जाम में उस सूरमा बनना है, बाद में बनना, एग्जाम के बाद बनना है, एग्जाम में क्वेश्चन टिक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस बर्नौली इक्वेशन इज नॉट यूज, Bernoulli's equation you cannot use if the fluid is viscous. So viscometer used to measure the viscosity you cannot use here. The rest of the other places you can use. Next, naam se clear hai yaar, naam se hi clear hai. So pucha hai ki the difference between the water level at the reservoir and water level at the tail race. Bataiye kya bolte hain? बताइए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करिए सभी लोग फास्ट। डियर, इट इज नॉट नेट हेड, नेट हेड इज द हेड एट विच द टर्बाइन इज वर्किंग। नेट रिजर्व, यहां पे रिजर्वॉयर है, यहां पे लगा है आपका क्या, यहां पे लगा है आपका पेनस्टॉक, यहां पे नोजल लगा है कहीं ऐसा कुछ, यहां पे टर्बाइन लगी है, सपोज दैट हियर, एंड हियर इट इज योर टेल रेस, ये आपका क्या है, टेल रेस है, मान लीजिए इट इज योर टेल रेस यहां पे, और यहां पे टोटल आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां और यहां के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि दिस इज द रिजर्वायर का पानी, ये पूरा और ये इसका, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड। यस यस यस, ग्रॉस हेड है ये, तो द हेड एट विच द टर्बाइन इज वर्किंग, जिस हेड पे टर्बाइन वर्क करी दैट इज कॉल्ड द नेट हेड, सो इट इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड, कहां गया, इट इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड। नेक्स्ट, अच्छा जनरेटर भी दिखाना है भाई साहब, वन सेकेंड।
ओके नेक्स्ट पे आते हैं। भाई स्पेशल वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेशल वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट होता है बच्चे, स्पेसिफिक वेट, इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट मतलब mg, वॉल्यूम बाई मतलब रो, तो क्या आ गया, इट इज रो जी, ये होता है स्पेसिफिक वेट। और वेट मतलब कि न्यूटन और वॉल्यूम मतलब कि मीटर क्यूब। बस स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार। स्पेसिफिक वेट का मतलब विशिष्ट भार, ठीक है। आइडेंटिफाई इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में पीएमएम टू वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गलत बात है। पीएमएम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट नहीं करती। किसको वॉयलेट करती है? पीएमएम टू जो है वो सेकेंड लॉ को वॉयलेट नहीं करती। किसको वॉयलेट करती है? क्या लिखा है यार, पीएमएम टू वॉयलेट्स द फर्स्ट लॉ। पीएमएम टू फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं करती। किसको वॉयलेट करती है? फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करती है, ठीक है। तो पीएमएम टू यार मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। पीएमएम टू जो है वो फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं करती, सेकेंड लॉ को वॉयलेट करती है, ठीक है भाई साहब। पता नहीं क्या बोले जा रहा हूं मैं खुद ही। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द डैश गाइड्स द फ्लूइड एंड इंपार्ट मोमेंटम टू द फ्लूइड व्हिच इंक्रीजेस द टोटल हेड ऑफ द फ्लूइड कॉजिंग द फ्लूइड टू फ्लो आउट। नहीं यार, कभी कभी पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग में सिर्फ पंप और कंप्रेसर ही घूमते हैं। अब सुबह से क्लास चली 9:15 बजे से और अभी चलेगी रात में 12 बजे तक, तो कभी कभी दिमाग पूरा ना पंप और कंप्रेसर ही घूमते रहते हैं। हाँ, सेकेंड लॉ जो पीएमएम टू है वो सेकेंड लॉ को वायलेट करती है, वो भी केल्विन प्लांक को। क्लॉसियस कौन बोला? क्लॉसियस कौन बोला? कौन बोला क्लॉसियस? कौन बोला क्लॉसियस? नीलेश झा। नीलेश जी, पीएमएम टू वायलेट करती है सेकेंड लॉ को, वो भी केल्विन प्लांक को। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या बोलते हैं इसे भैया? कहां गया? इंपेलर ब्लेड्स। क्या बोलते हैं? इंपेलर की जो ब्लेड होती है वही पानी के ऊपर वर्क करती है। दे यूज टू सप्लाई वर्क, दे यूज टू सप्लाई रोटेशनल एनर्जी टू द वॉटर एंड दे जो वॉटर को रोटेशनल एनर्जी इम्पार्ट करती है और वॉटर हाई प्रेशर हाई हेड के साथ बाहर निकलता है। इंपेलर ब्लेड्स। नेक्स्ट, एयर एंटर्स एट कंप्रेशर, द एयर एंटर्स इन कंप्रेशर। यार इसको आर्टिकल का ज्यादा नॉलेज है, मतलब ऑफ कहां लगना चाहिए, इन कहां लगना चाहिए, प्रीपोजिशन वगैरह का इसको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो एयर एंटर्स इन कंप्रेशर एट 0.1 MPa एंड 25°C हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1.8 m³/kg एंड इज कंप्रेस टू 0.5 MPa आइसोथर्मली। डिटरमाइन द वर्क डन, डिटरमाइन द वर्क डन। Yes, but how will you calculate by V2 by V1? V2 by V1 is not given. V2 V1 कहाँ given है? Guys, listen. Isothermal work done is given as work done in isothermal process. P1 V1 ln V2 by V1 or P1 V1 ln P1 by P2. P1 by P2. Because in isothermal process, you know that P1 V1 is equal to P2 V2. So here V2 by V1 क्या हो जाएगा? P1 by P2 हो जाएगा, क्योंकि हमको V1 V2 और not given, V1 V2 दिया ही नहीं है, प्रेशर दिया है 0.1 और 0.5, ठीक है। So P1 V1 निकाल लीजिएगा, P1 कितना है? P1 कितना है? आंसर किस में पूछा है? केजी में। आंसर किलो जूल पर केजी। क्या है? किलो जूल पर केजी। सो कन्वर्ट दिस इंटू किलो जूल, मल्टीप्लाई विथ 1000, ये कितना हो जाएगा? 100। सो P1 कितना है बच्चे? 100। कितना है? 100 इंटू V1 कितना है? 100 kPa, 100 kPa। V1 कितना है? 1.8 P1 V1 ln P1 कितना है यहां पर? P1 by P2। P1 कितना है यहां पर? 100 डिवाइडेड बाय P2 कितना है? 500, या 0.1 by 0.5 भी ले सकते हैं, वो तो कट ही जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा मुझे बताएंगे। व्हाट इज द आंसर? Anyone tell me what is the answer? It is the work done by the air, work done on the air
289.7 किलो जूल पर केजी. सो आई थिंक द आंसर वुड बी 289. वर्क डन ऑन द एयर बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड, सो देयर विल बी वर्क डन ऑन द एयर. एंड लिसन, यहां पर क्या है, P1 LN less by more is negative, यानी कि जो आपका वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज इट इज लेस बाय मोर, क्या आएगा, नेगेटिव. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. यस, ऑन द एयर ऑब्वियसली. अरे भाई साहब इसको सॉल्व कहां करेंगे, स्किप 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 स्किप. ऑल दो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन. चलो मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी इज करेक्ट फॉर टू पावर सप्लायर used to supply power to an ideal reversible heat engine. एक ideal reversible heat engine है जिसको दो power supplier हैं, दो source हैं जो power supply कर रहे हैं. पहले source, अलग अलग केस में जो पहला source है, first source जो है, supplier 1 supplies 12,000 kilojoule per minute at 320 degree Celsius. Supplier 2 supplies 12,000 kilojoule per minute. अच्छा, 120,000 kilojoule per minute at 70 degree Celsius. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ आपको बताना है, ध्यान से सुनेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली. नो इट इज नॉट कैस्केडिंग, टेक डिफरेंट डिफरेंट केस. इन फर्स्ट केस देयर इज सोर्स वन, इंजन एंड सिंक वन. अनदर केस, नेक्स्ट केस, सोर्स टू, इंजन एंड सिंक. अलग अलग केस लेने हैं आपको. पहले केस में सप्लायर वन यानी कि सोर्स वन, इंजन, सिंक. नेक्स्ट केस सप्लायर टू, इंजन एंड सिंक. दोनों में एफिशिएंसी कंपेयर करना है. तो क्या बोला बच्चे, देखिए, अगर मैं सप्लायर वन की एफिशिएंसी निकालूं, जब सप्लायर वन कितना सप्लाई कर रहा है, यानी कि सोर्स कितना सप्लाई कर रहा है, 12,000 किलोजूल पर मिनट, उस केस में इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी. एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, रिवर्सिबल इंजन है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द एफिशिएंसी, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर. लोअर कितना है, 35 का मतलब 308 केल्विन अपॉन हायर 320 प्लस 273 तो 302 593 आ जाएगा, 593. इफ यू कैलकुलेट हियर द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट सप्लायर, फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, आ जाएगा 48%. यू कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 48%. नाउ अब आपको एनर्जी डिलीवर्ड यानी कि वर्क कैसे निकालेंगे, व्हाट इज वर्क. 48% means efficiency 0.48 into heat supply 12,000. 0.48 into 12,000. 6,000 से कम आएगा. It will be less than 6,000. So answer here will be 5767 kilojoule per minute. Option 1 will be correct. Very simple question. सिर्फ डराने के लिए तबड़ा question दिया. Which of the following is not true for steam? इनमें से steam के बारे में कौन सा सही नहीं है बताइए. The latent heat है ये. See, dryness fraction more than one, it is called wet steam. No, at dryness fraction one or in superheated region, dryness fraction one or more, it is called ड्राई वेपर और सुपरहीटेड स्टीम. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेटेड टू रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द इंपेलर. हाँ तो ठीक है, गलत दे दिया ना, तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गलत टिक करना है, बस तो बताइए, बस काम खत्म. ओके, तो बच्चे एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो, मिक्स फ्लो होता है, डिफ्यूजन पंप कोई नहीं होता. अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिफ्यूजन पंप कोई नहीं होता. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइडियल रिवर्स कार्नोट साइकिल द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अकर्स एट, द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अकर्स एट.
confused, confused, because there are two expansion and two compression. Look at the level of the question. Question ka level dekho. There are two expansion and two compression. Isothermal expansion and isothermal compression. But remember that isothermal expansion, that isothermal expansion is only heat addition process. That isothermal compression is only heat rejection process. Where you are getting work, from where you are getting work in Carnot cycle? Because of isentropic expansion in turbine. Where are you supplying work? In compressor. Isentropic compression in compressor, you are supplying work. So compression and expansion here are isentropic, that is constant entropy. That is constant. You are getting work in turbine, isentropic expansion. You are giving work in compressor, isentropic compression. ठीक है, yes. Heat received by a heat engine is 1500 kilojoule per minute. Output दिया है आपको 8.2 kilowatt. Determine thermal efficiency, बताइए कितना आएगा. थर्मल एफिशिएंसी कितना आएगा? 66, वेरी नाइस. आई डोंट थिंक इट 66 इसका आंसर सही होना चाहिए. आई थिंक इट इज 33. कितना आ रहा है? 8200 बटे 1500, वेरी गुड. कितना आ रहा है बच्चे? कितना आ रहा है? ठीक है, तो हीट इंजन क्या कर रहा है? हीट रिसीव कर रहा है और आउटपुट दे रहा है कितना? 8.2 किलोवाट का ना. तो डिटरमाइन इट्स थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर लीजिएगा तो 8200 आ जाएगा आपका और 1500. अब जिसने ये आंसर किया उसने गलत किया. 8200 बटे 1500 भाई साहब, ओहो हो, यूनाइटेड इंडियन जी. 8200 बटे 1500, 8200 किसमें है? किलो, सॉरी जूल पर सेकेंड. 8200 किसमें है? जूल पर सेकेंड. और ये किसमें है? किलो जूल पर मिनट. ऐसे निकाल पाओगे? ऐसे नहीं निकाल पाओगे. ना ना ना, कैसे निकालोगे? थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है सर, तो क्या निकाला जाए? वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, बट बोथ शुड हैव सेम यूनिट. तो वर्क आउटपुट क्या लिखेंगे? 8200 या 8.2 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 8.2 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. यह है 1500 किलो जूल. So, 1500 किलो जूल पर मिनट. पर मिनट मींस 60. नाउ इट इज 8.2 इंटू 60 डिवाइड बाई 1500. नाउ टेल मी द आंसर. नाउ टेल मी द आंसर. 33% गलत कर दिया ना, तुरंत खटाक से मार दिया. 82 बाई 1500, खत्म हो गया क्वेश्चन. 33%. नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर. कितने क्वेश्चन किए? 27 क्वेश्चन किए. ठीक है, चलिए अब आपसे मिलेंगे हम कल की क्लास में, कल सुबह 9:15 लाइक 9:15 AM टुमारो ऑन टेस्ट बुक ऐप इन मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास फॉर एवरीवन. अगेन ऑन 1:30 PM इन द सेम क्लास, मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास फॉर एवरीवन, टेस्ट बुक ऐप पर. एंड अगेन फ्रॉम 7 to 9 शाम को मिलेंगे ऐसे ही सेशन में. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग सेशन. हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय. और अगर आप चाहते हैं टेस्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ना, अगर आप चाहते हैं बार्क के टाइपेंड्री कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 को एंजॉय करना, तो आप आइए यूट्यूब पर. आप है, आप इसी वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कहाँ पे जाएंगे? इसी वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर. और सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ओपन कर लीजिएगा. खुल जा भाई साहब, क्या हो रहा है? टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ओपन कर लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा ऐसा, आप इसको ओपन कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा. इसके बाद अगर आपको बार की कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं डिटेल में तैयारी करना, तो आप टेस्ट बुक की वेबसाइट पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आ सकते हैं. और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा बार का पूरा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का जो भी आप लेना चाहते हैं. 6 महीने का पूरा कोर्स 2799 रुपये में. आपको यहाँ पर जाना है, प्लान को चेंज करना है. 6 महीने 3 महीने का, जैसे 6 महीने का लेना है आपको तो 2799, बट यहाँ पर अप्लाई करना है कूपन कोड. और ये कूपन कोड है आर मिश्रा. क्या अप्लाई करना भाई साहब? आर मिश्रा. तो आर एम आई एस एच आर ए करेंगे अप्लाई,
और मिलेगा डिस्काउंट कितना 2599 रुपए में, यानी कि ये पूरा कोर्स जिसका स्ट्रक्चर है, जो पूरा कोर्स है जिसकी प्राइस है कितनी 5199, वो आपको मिल जाएगा 6699 वो आपको मिल जाएगा 2599 में, ठीक है। तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।